साधुवाद साहब, महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय बंदे डॉक्टर करुणा सिंह राव जी को सादर वंदामी, और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुधाए। जैसा कि भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज की गूगल मीट में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो दिखने और सुनने में तो बड़ा सरल सा प्रतीत होता है, लेकिन जब हम पूरे देश भर में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों, उनके पदाधिकारियों, उनके कार्यकर्ताओं पर नजर दौड़ाते हैं तो इस विषय की प्रासंगिकता और इसका महत्व ठीक से समझ में आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी या जीवन संगिनी एलिनोर रूजवेल्ट का एक बहुत ही प्रसिद्ध सा कथन है। वो कहती हैं कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। अर्थात जो महान मस्तिष्क के धनी लोग होते हैं वो विचारों पर चर्चा करते हैं। सामान्य या औसत बुद्धि के व्यक्ति हमेशा घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और छोटे दिमाग के लोग व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, फलां व्यक्ति गलत है, फलां व्यक्ति सही है, इस तरह की बातें करते हैं। तो आज जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन में काम करने वाले लोगों को देखते हैं तो ये बात बड़ी सटीक प्रतीत होती है। और दो तरह के संगठन हमें नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वे जिनको हम अम्बेडकराइट या बुद्धिस्ट संगठन कहते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग एक समूह में बंटे हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे संगठन जिन्हें मनोवादी संगठन कहते हैं। और प्राय जब भी सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले साथियों से मिलना होता है, अक्सर ये महसूस करते हैं कि अपने समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरी व्यवस्था के संगठनों, उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों और उनकी खामियों को गिनाने में खर्च कर दिया जाता है। इसके बाद भी यदि कोई कमी रह जाए दूसरे लोगों की बात करते हुए, तो फिर हमारे समानांतर जो दूसरे संगठन काम कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, हम उन पर चले जाते हैं, उस संगठन ने ऐसे क्यों किया, उस संगठन के पदाधिकारी या उस संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने ऐसा क्यों किया, इस विषय पर बात शुरू हो जाती है। और इन सारी चीजों के बीच में अगर हम ठीक ठीक से मूल्यांकन करें, संगठनों की आपसी दौड़, अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा, अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने का भाव, तो ऐसा लगता है कि इस प्रतिस्पर्धा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन कहीं पीछे छूट जाता है। संगठनों की जीत की प्रतिस्पर्धा में हमारा मिशन हारता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहा, और हम लोग ये सही है ये गलत है, कौन सा व्यक्ति सही है कौन सा व्यक्ति गलत है, इसी नापतोल में उलझे रहे, इसी भ्रम के शिकार होते रहे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महाकारुणिक बुद्ध के जो विचार है वो जिन मापदंडों के अनुसार समाज तक पहुंचने चाहिए वो पहुंचने की बजाय दूर होते चले जाएंगे। मैं दो तीन छोटे छोटे उदाहरण आपसे साझा करूं। इसे एक बहुत बड़ी कमी जो महसूस होती है, अक्सर हम सुनते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं कि अम्बेडकराइट संगठनों के आक्रामक वक्ताओं ने उच्च जातीय लोगों को हमारे प्रति और ज्यादा द्वेष से भर दिया है। आए दिन ब्राह्मणों, हिंदू धर्म, उनके देवी देवताओं को दी जाने वाली गालियों ने, जब आप अम्बेडकराइट हो गए, जब आप बुद्धिस्ट हो गए, तो आपका नाता भी भला क्या रहा उस व्यवस्था के प्रतीकों से, उसके देवी देवताओं से, उस व्यवस्था के कर्म कांडों से। लेकिन बौद्ध बनने के बाद भी अगर हम उन्हीं की व्यवस्था को कोसते हैं, उन्हीं के धर्म ग्रंथों पर टिप्पणियां करते हैं, उन्हीं के त्योहारों के पीछे पड़े रहते हैं, तो फिर हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं। क्या किसी एक जाति या एक धर्म में पैदा हुए सारे के सारे लोग खराब होते हैं? और क्या
जो लोग हमारे समाज में पैदा हुए, हमारी जाति में पैदा हुए, हमारे वर्ग में पैदा हुए, वो सारे के सारे अच्छे हैं। अगर आप इस सवाल पर चिंतन करेंगे तो ये बात बेहतर ढंग से समझ में आएगी कि हम बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उम्र भर ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन उनके जीवन को देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर ये बात ठीक से समझ में आती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं थी, ब्राह्मणवाद से थी। और फिर भी संशय हो किसी को तो हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए ऐसे कई पात्र हमें दिखते हैं। आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ते हुए कि जो बाल गंगाधर तिलक, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समता और मूकनायक अखबार शुरू करते हैं, तो एक तरफ तो बाल गंगाधर तिलक थे जो अपने केसरी समाचार पत्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अखबार का विज्ञापन छापने को तैयार नहीं था, इतने रूढ़िवादिता उनमें बसी हुई थी। दूसरी तरफ उन्हीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पुत्र श्रीधर पंत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जातीय भेदभावों, छुआछूत के हर एक मुहिम में साथ खड़े नजर आते हैं, और उनका समर्पण बाबा साहब के मिशन के प्रति इतना प्रतिबद्धता भरा है कि हम देखते हैं कि श्रीधर पंत जब बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत कर रहे थे, श्रीधर पंत उसी महाराष्ट्र में अछूत मेलों का आयोजन करते हुए नजर आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ लगाव और उनके सहयोग की वजह से कई बार ऐसे अवसर आए जब श्रीधर पंत को अपमानित होना पड़ा। यहां तक कि जब बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई, मृत्यु हुई, उसके बाद में उस समाचार पत्र, केसरी समाचार पत्र के स्वामित्व को लेकर झगड़ा हुआ और तिलक के रिश्तेदारों ने श्रीधर पंत को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्हें कोई मालिकाना हक नहीं मिला उस समाचार पत्र का, कोई स्वामित्व नहीं मिला अपनी पैतृक संपत्ति में, और अंततः श्रीधर पंत आत्महत्या कर लेते हैं ट्रेन के आगे कूद कर। तो एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति जो अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा रहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, सूरज येंगड़े का नाम हम सब लोग सुन रहे हैं, अभी हाल ही में उनकी किताब आई थी कास्ट मैटर्स, उसमें वो लिखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जलगांव का जब अधिवेशन, एक सम्मेलन में श्रीधर पंत को श्रद्धांजलि देते हैं बाबा साहब कि ये हमारे मिशन का सच्चा सिपाही था। ठीक इसी तरह से जब आप देखेंगे कि महाड़ में जल सत्याग्रह की बातें हो रही थी, तब भी ये आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध एक वर्ग विशेष के लोग कर रहे थे, ये बात ठीक थी, लेकिन उसी वर्ग में, उन्हीं जातियों में पैदा हुए सुरेंद्रनाथ टिपनिस जैसे लोग, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे जैसे लोग, अनंत विनायक चित्र जैसे लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़े थे महाड़ के जल आंदोलन में। तो ये सारे के सारे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि भले ही किसी वर्ग विशेष ने, किसी जाति विशेष ने एक विशेष व्यवस्था स्थापित करके दूसरे वर्ग का शोषण करने का प्रयास किया हो, लेकिन वहां भी अच्छे लोग रहे हैं जो हमारे मिशन की समझ रखने वाले रहे हैं और सहयोग भी करते रहे हैं। तो एक चीज तो ये कि दूसरे उस तथाकथित उच्च जातीय भाव को, उस उच्च जातीय दृष्टिकोण को दिन रात कोसने की बजाय, उसमें जन्मे हुए लोगों को गालियां देने की बजाय, उनके प्रतीकों की आलोचना करने की बजाय, क्या वहां कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो क्या उन्हें स्वीकार करने का भाव हमारे मन में है, जितने भी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोग हैं उनके मन में है? अभी एक बहुत ही ज्वलंत सा उदाहरण मैं आपसे साझा करूं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। हो सकता है बहुत से लोग सत्ता के अलग अलग गतिविधियों से, उसकी नीतियों से संतुष्ट न होते हो और हमेशा आलोचना का भाव मन में रखते हो, लेकिन ये जो काम है कि पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना, निश्चित रूप से पिछले 70-80 सालों में जो काम नहीं हो पाया, इतना ऐतिहासिक और दूरदर्शी काम अब हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण काम को करता है, किसी महत्वपूर्ण विचार को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो हमें भी ये दायित्व बन जाता है कि विचारों पे बात करें, व्यक्तियों पे नहीं।
हो सकता है एक ही आदमी के कुछ काम बहुत अच्छे हो और कुछ काम खराब भी हो, तो कम से कम जो अच्छे काम हैं उन्हें तो ग्रहण किया जा सकता है। तो ये तो बात रही तथाकथित उच्च जातीय या फिर विरोधी व्यवस्था के लोगों की। अब जब हम खुद के ही सब जातीय भाइयों को देखते हैं, इस समाज में बने हुए संगठनों को देखते हैं, तो बहुत ही हैरानी होती है देखकर कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समाज को संगठित करने की बात करते रहे, उसी समाज ने इतने सारे संगठन पैदा कर लिए हैं, इतने सारे संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्पन्न हो गए हैं कि कई बार तो मन में ख्याल आता है कि अगर ये अम्बेडकराइट संगठन ना होते तो शायद समाज में ज्यादा एकता होती। हम समान उद्देश्यों के लिए काम करने वाले, समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले लोग एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इसके नुकसान क्या होते हैं? जब हम समानांतर रूप से काम करने वाले लोगों की बातों को, विचारों को स्वीकार करने की बजाय उन्हें नीचा दिखाने की होड़ में लग जाते हैं, पहला जो नुकसान होता है वो ये कि जिस सामाजिक एकता के उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, अगर हम धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस धार्मिक एकता के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, जिस बौद्ध समाज को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एकता कभी स्थापित हो ही नहीं पाती, बल्कि उस एकता में विखंडन शुरू हो जाता है। अब उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, आप सब जानते हैं 10 नवंबर को श्रद्धेय बंते राहुल जी के कुशल सानिध्य में, उनके नेतृत्व में धम्मो में बौद्ध समाज आचार संहिता का विमोचन करने जा रही है ग्रेटर नोएडा में। होना तो ये चाहिए कि पूरा देश, पूरे देश का बौद्ध समाज, पूरे देश के बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही गर्व के साथ कहते कि दशकों से जो काम हम नहीं कर पाए उस काम को धम्मभूमि ने कर दिखाया है, उस काम को श्रद्धेय बंते राहुल जी ने कर दिखाया है, और हम अपना भरपूर समर्थन इस नवाचार को, इस दूरदर्शी काम को दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के सवाल इस तरह से सुन रहे हैं कि धम्मभूमि ने ही क्यों किया है, बंते राहुल जी ने क्यों किया है, बिना इस बात को जाने कि इस काम का महत्व क्या है, बिना इस बात को जाने कि इस आचार संहिता में कौन कौन सी बातें लिखी गई है, और बिना इस बात को जाने कि इस आचार संहिता के आने वाले समय में बुद्धिस्ट समाज पर क्या इम्पैक्ट्स होंगे, प्रभाव क्या होंगे। तो अगर हम सिर्फ इसलिए किसी बात का विरोध कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे संगठन का नहीं है, सामने वाला व्यक्ति हमारे संगठन या फिर हमारी मुहिम का हिस्सा नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर हम हो सकता है कि अपने अहम को तो तुष्ट करने का काम कर पा रहे हैं, लेकिन जिस सामाजिक एकता को विखंडित करने के दोषी हम बनते जा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोगों को डीमोटिवेट करने का जो काम हम कर रहे हैं, और उस अपराध की सजा व्यक्तिगत रूप से किसी एक आदमी को नहीं, पूरा समाज भुगतता है। जब अच्छे लोग निराश होते हैं, जब अच्छे लोग काम करने से मुंह मोड़ लेते हैं, तो एक महत्वपूर्ण जो नुकसान है इस आपसी खींचतान का कि हम व्यक्तिवाद को प्राथमिकता देते हैं, जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, जो व्यक्ति हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा सगा संबंधी है, हमारे संगठन का है, उसे तो हम बहुत, उसकी हर एक बात का समर्थन करते हैं। ये बात राजनीति में तो ठीक हो सकती है कि चूंकि आप एक पार्टी विशेष के पदाधिकारी हैं और आपको अपनी पार्टी के लोगों का समर्थन करना है, भले ही वो किसी भी प्रकार के कुत्सित अपराध में शामिल क्यों न रहा हो, लेकिन जब आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म का उद्देश्य लोगों को सदाचरण सिखाने का है, धर्म का उद्देश्य समाज को एकरूपता प्रदान करना है। तो ऐसे में जब कोई अच्छी मुहिम सामने आती है, और ऐसी मुहिम के सामने आने में अगर आप आचार संहिता को ही देखेंगे, बौद्ध समाज आचार संहिता को देखेंगे, तो इसके बनने में भी मैं कम से कम बता रहा हूं कि श्रद्धेय बंते जी की कम से कम 30 वर्षों का अनुभव, उनका लगातार सामाजिक और धार्मिक फील्ड में काम का अनुभव, वो सारा का सारा और जितनी विसंगतियां, जितने विरोधाभास उन्होंने समाज में देखे, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, प्रचारकों में देखे, उपासक उपासिकाओं में देखे, भिक्खु भिक्खुनियों में देखे, उन तमाम समस्याओं के समाधान के रूप में आचार संहिता आई है। तो ऐसे में इसे नकारने की बात करना या इस वजह से बहुत ही तटस्थ या उदासीन हो जाना,
कि धम्मभूमि ने तैयार की है, इसमें हमारा क्या है, तो ये कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जिस किसी भी संगठन ने अपने जो कोई भी लक्ष्य निर्धारित किए, छोटे से छोटे संगठन से लेकर किसी न किसी बड़े से बड़े संगठन तक, आपका उद्देश्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना था। आपने संगठन इस उद्देश्य से नहीं बनाया था कि हम दूसरे संगठनों की आलोचना करेंगे, आपने संगठन इस उद्देश्य से नहीं बनाया, और अगर बनाया था तो आप अपने संगठन के उद्देश्य में ये बात लिखते कि हमारे संगठन का उद्देश्य रहेगा कि देश में जो भी धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे हम उनकी आलोचना करेंगे। हमारे संगठन का उद्देश्य ये रहेगा कि देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का जो भी काम करेगा हम उसकी आलोचना करने का काम करेंगे। ऐसा उद्देश्य तो किसी भी संगठन ने नहीं लिखा, तो फिर क्यों हम दिन रात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करने वाले लोगों में खामियां ढूंढने का काम करते रहते हैं। तो ऐसा करते हुए जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं उन्हें तो कोई फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन आपने जो जिस उद्देश्य के लिए संगठन बनाया था निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। तो दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि हर एक संगठन जो इस निरर्थक आलोचना में उलझा हुआ है और सामने वाले लोगों की कमियां या खामियां सिर्फ इस वजह से ढूंढ रहा है कि ये हमारे संगठन का पदाधिकारी नहीं है, इस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, तो फिर ऐसा करते हुए हम अपने ही लक्ष्यों से दूर होते चले जाएंगे। एक तीसरा नुकसान ये है कि ये जो प्रतिस्पर्धा शुरू होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, अगर हम ठीक ठीक से मूल्यांकन करें कि हम दूसरों को नीचा दिखाने की इस होड़ में कहीं समाज को तो नीचा नहीं करते जा रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए जिस कार्यों को जिस मिशन को आगे बढ़ाने की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमसे कह के गए, हम उससे तो दूर नहीं होते चले जा रहे हैं, और आपसी वैमनस्य पैदा करके आप देखेंगे कितनी भयानक विडंबना है ये कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महाकाल बुद्ध के नाम पर बने हुए अगर हजारों संगठन उनके पदाधिकारी उनके सिर्फ अध्यक्ष अध्यक्ष एक पद पर एक मंच पर आकर नहीं बैठ सकते, तो जिस समाज को सुधारने के लिए, जिस समाज को बोधनीय बनाने के लिए, जिस समाज को एक रूपता प्रदान करने के लिए आपने संगठन बनाया था, क्या उन सारे के सारे लोगों को एक करना, जब बहुत पढ़े लिखे बहुत समझदार पदाधिकारी संगठनों के अध्यक्ष अपने आप को एक नहीं कर पा रहे, तो सामान्य लोगों से क्या उम्मीद करी जा सकती है। चौथा एक नुकसान ये भी है कि जब हम ऐसी हरकतें करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की, विशेष रूप से धार्मिक या अम्बेडकराइट संगठनों से जुड़े हुए लोग, तो समाज बड़ा निराश महसूस करता है, उसे लगता है एक ठीक ठीक से विवेकशील व्यक्ति जो किसी भी संगठन में एक्टिव नहीं रहता है वो संगठनों की इस खींचतान से बड़ा निराश होकर घर बैठना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं जब उनमें एक रूपता नहीं है, उनके कामों में समानता नहीं है, तो हम ऐसे संगठनों से जुड़कर क्या करेंगे। तो कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा सामाजिक या धार्मिक होना भी चाहे, अपना सामाजिक या धार्मिक योगदान देना भी चाहे, हम उसके हौसले को पहले ही तोड़ देते हैं, तो समाज में भ्रम और निराशा फैलाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक इसी तरह से एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि जब भी आप इस तरह की निरर्थक आलोचना या फिर बहसबाजी के शिकार होते हैं, आप कभी सच को स्वीकार ही नहीं कर पाते। आपका विरोधी संगठन कितना ही अच्छा काम कर ले, चूंकि आप उससे विपरीत विचार रखते हैं, आप उसमें खामियां निकालने लग जाते हैं, आप उसकी कमियों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। हो तो ये भी सकता था कि वो सुझाव लेकर आते कि आपने ये काम किया है बहुत अच्छा है, इसमें तीन बातें हमारा सुझाव है ये भी ऐड कर ली जाए, और ये भी हो सकता था कि हम अगर इतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम मौन तो रह जाएं, चुप रह जाएं, प्रशंसा नहीं कर सकते तो आलोचना भी ना करें, लेकिन ये नहीं करके और अनावश्यक बहस करना, अनावश्यक टीका टिप्पणियां करना किसी भी नए काम पर, बिना उसका महत्व जाने, बिना उसकी उपयोगिता समझे, बिना उसको ठीक ठीक पढ़े भी, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे होते हैं। इसी बात का विस्तार करते हुए
यदि हम ये कहें कि जितने भी काम हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एक युवा साथी से डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा कि फला जगह पे मेरा जाना हुआ, वहां एक बौद्ध विहार में मैं रुका और वहां के जो भिक्षु थे उनका व्यवहार ठीक नहीं था। सुनने में तो ये बात तार्किक रूप से ठीक हो सकती है कि किसी भिक्षु को बहुत ही शालीन और विनय के नियमों के अनुसार आचरण करने वाला होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उस भिक्षु या भिक्षुणी के व्यवहार में कमियां निकालने लग जाएं। लेकिन आप थोड़ा सा ठहर कर यदि सोचेंगे कि यदि वो भिक्षु वहां पे नहीं होता, तो वो विहार वहां पे नहीं होता, तो हम सब जगहों पर तो अप्रोच कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कोई संगठन विशेष, कोई भिक्षु विशेष, कोई भिक्षुणी विशेष किसी क्षेत्र विशेष में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन पूरे देश में तो उनकी अप्रोच नहीं है। तो हर वो आदमी जो धर्म के क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी दूर दराज के क्षेत्र में बैठा हुआ है जहां हमारा पहुंचना भी संभव नहीं है, और अपनी उपस्थिति से यदि किसी गांव में, किसी शहर में तीर्थ पंचशील का गायन भी हो रहा है, भले 5 उपासक आ रहे हैं कि 15 उपासक आ रहे हैं, कुछ न कुछ हो रहा है, और किसी आदमी ने भिक्खु या भिक्खुणी बनने के लिए जो त्याग किया है, उस त्याग का सम्मान करते हुए भी हमें ऐसी बातों को सहन कर लेना चाहिए, और प्रयास करें हम कि किसी का हौसला हमारी वजह से न टूटे। हो सकता है आपको किसी का काम करने का तरीका पसंद रहा है, तो हम बैठ जाएं चुपचाप, उसे सहयोग करना बंद कर दें, उसके साथ जाना बंद कर दें, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस देश का कोई भी संगठन यह दावा नहीं कर सकता, वो संगठन भी दावा नहीं कर सकते जो इस देश को किसी धर्म विशेष का घोषित करने की बात कर रहे हैं, जो अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रहे हैं, उसके बाद भी वो ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि देश के सारे राज्यों में हर एक गांव तक हमारी एक्सेस है, हमारी पहुंच है। तो जो स्थानीय संगठन है, जो प्रांतीय संगठन है, उनको इस तरह की गलतफहमी में रहना कि एक शहर में, एक गांव में हमने संगठन बनाया और हम किसी राष्ट्रीय स्तर के संगठन या आंदोलन की खामियां गिनाने लगे कि ऐसे क्यों नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बने हुए संगठन, महाकरणिक बुद्ध के नाम पर काम करने वाले जितने भी संगठन, उनके पदाधिकारी भिक्खु भिक्खुनिया जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो ठीक मापदंडों पर काम कर रहे हैं तो फिर उनके काम की सीमा हो सकती है, वो अपना काम करे जहां भी कर रहे हैं। हम समर्थन सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तब भी साइलेंट होकर हम उनके काम को देखते रहे, ये जरूर है कि जहां कहीं भी जरूरत महसूस हो, और धर्मभूमि से बेहतर इस बात का उदाहरण आपको कहीं मिल नहीं सकता। कितनी ही बार हम देखते हैं कि श्रद्धेय बंदे जी दूसरे भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को धर्मभूमि के मंचों पर आमंत्रित करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि देश के सारे भिक्षुओं, अभी बिलासपुर में पिछले साल जब सामणेर सामणेरी शिविर हुआ, तो पूरे देश के सहयोग से धर्मभूमि ने 1,000 चीवर तैयार करवाए, और अलग अलग समय पर अलग अलग भिक्षुओं भिक्षुणियों को वो चीवर दान किए गए। उद्देश्य सिर्फ इतना था, दो तरीके से काम किया जा सकता था। एक काम तो ये था कि श्रद्धेय बनते राहुल जी मंचों पर ये कहते रहे कि भारत के भिक्षु जो है एकरूपता में नहीं है, उनके चीवर का रंग एक नहीं है, और दूसरा काम ये था कि ऐसे भिक्षुओं या भिक्षुणियों को चीवर बांटने का, चीवर दान करने का सिलसिला शुरू कर लिया जाए। तो सिर्फ आलोचना करने की बजाय श्रद्धेय बंते जी ने दूसरा रचनात्मक रास्ता चुना और सैकड़ों भिक्षुओं भिक्षुणियों को भारतीय रंग के चीवर दान किए गए, और ये अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि आप सिर्फ आलोचना करके सुधार नहीं कर सकते, बल्कि जिन सुधारों को आप देखना चाहते हैं उनकी शुरुआत उस दिशा में कदम आपको खुद को बढ़ाने पड़ते हैं। श्रद्धेय बंदे जी मंचों से ये भी कह सकते थे कि उपासक उपासिकाओं के व्यवहार में बहुत खामियां होती है, उपासक उपासिकाओं की जीवन शैली अच्छी नहीं है, वो सदाचारी नहीं है, उनके संखार ऐसे नहीं है, लेकिन ये सारी बातें कहने की बजाय श्रद्धेय बंदे जी ने फिर दूसरा चैलेंजिंग टास्क चुना, और उन्होंने ये बीड़ा उठाया, ये पहल की कि हम पूरे देश के बौद्धों के लिए बौद्ध समाज आचार संहिता का निर्माण करेंगे, वो आचार संहिता जो न केवल वर्तमान के बौद्धों को बल्कि बौद्धों की आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव दिशा देने का काम करेगी, उनका मार्गदर्शन करने का काम करेगी। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बौद्ध समाज आचार संहिता बनाने का निर्णय किया गया। तो ऐसे दूरदर्शी और ऐतिहासिक
काम को करने के पीछे जो उद्देश्य रहे हैं, जो आवश्यकताएं रही है, जो विसंगतियां, जो विरोधाभास हृदय बंदे जी नोटिस कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, उन सब का समाधान इस आचार संहिता के रूप में सामने आया है। तो आज की इस गूगल मीट में, पिछले कई दिनों से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब मैं पढ़ रहा हूं, और कई बार तो लगता है कि ग्रुप्स में रिप्लाई करते करते थक गए हैं, तो इस बात को गूगल मीट पे कर लिया जाए, तो तब आवश्यकता महसूस होती है कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और समाज को दिशा देने वाला काम करता है, तो बिना ये सोचे कि व्यक्तिगत रूप से हमारी ठीक संबंध नहीं है, या फिर हम व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के विचारों से, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं, हम आलोचना करना शुरू कर दें, उसकी कमियां निकालना शुरू कर दें, इसकी बजाय जो अच्छे विचार समाज को दिशा देने का काम कर सकते हैं, उन सबका स्वागत किया जाना चाहिए, उन सबको प्रमोट किया जाना चाहिए और वो जन जन तक पहुंचाए जाने चाहिए। आचार संहिता की उपयोगिता, आचार संहिता जो कोई भी दिशा में लोगों को डाइवर्ट करने का काम करेगी। और हमने ये भी घोषणा नहीं करी है, जयपुर में जो कार्यशाला हुई वो एक ओपन कार्यक्रम था, पूरे देश के बौद्धों, उपासक उपासिकाओं, बुद्धिजीवियों, भिक्खुओं भिक्खुणियों सबको इनवाइट किया गया। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्यक्रमों में जब किसी प्रारूप पे चर्चा होनी हो आना ही नहीं चाहे और बाहर बैठकर आलोचना करे कि जी आपने आचार संहिता ठीक नहीं बनाई है, आचार संहिता क्यों बनाई है, आपने ही क्यों बनाई है, तो फिर लगता है कि वो किसी पूर्वाग्रह का शिकार है और बिना सामाजिक या फिर बौद्ध धर्म के दूरदर्शी महत्व को समझे हुए ये लोग सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने का काम कर रहे हैं। इस वजह से इस कुंठा में, इस हताशा में कि ये काम हम क्यों नहीं कर पाए, ये सेहरा हमारे सिर पे क्यों नहीं बंध पाया कि हमने आचार संहिता तैयार की थी, तो ऐसी तमाम कुंठाओं, तमाम पूर्वाग्रहों को दूर करके जब भी आप किसी भी नवाचार की बात करेंगे जो समाज को दिशा देने वाला हो, वहां व्यक्तियों की बजाय उन विचारों को प्राथमिकता से उनका इंस्पेक्शन करें, उनका मूल्यांकन करें कि इसमें कोई खामी तो नहीं है। और अगर भविष्य में ऐसा लगा कि आचार संहिता में कोई और चीज जोड़ी जानी चाहिए, निश्चित रूप से वो चीज जोड़ दी जाएगी। और यदि ऐसा भी लगा कि किसी चीज की आवश्यकता नहीं है या अनावश्यक है, तो हो सकता है उसे हटा भी दिया जाए, लेकिन कम से कम समाज के सामने, कितने ही लोगों को हम सुनते हैं गूगल मीट में जो कहते हैं कि हमने धम्म दीक्षा तो ली, उसके बाद क्या करना था ये तो किसने बताया नहीं, तो उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए मैं अपनी बात फिर खत्म करूं इसी विषय पर कि आचार संहिता बनाने के पीछे का उद्देश्य, जो जो साथी आए थे जयपुर के कार्यक्रम में, उन्होंने श्रद्धेय बंते पी शिवली जी की बातों को सुना होगा, जिन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐसी आचार संहिता की पुस्तक बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुसंयोग से वो ये काम कर नहीं पाए। हमने बंते डॉक्टर नागभूषण जी को सुना वहां पे, इसी आचार संहिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए। हमने प्रोफेसर चंद्र कीर्ति जी को सुना, वो भी यही बात कह रहे थे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ साहित्य भी इस बात के लगातार वकालत करता है। जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा का मंड बना लिया था तो बार बार उन्हें ये चिंता सता रही थी, वो 22 प्रतिज्ञाएं भी इसी डर की वजह से, इसी दूरदर्शिता और चिंता की वजह से निकल के आई कि समाज बोध बनने के बाद भी यदि बोध स्वरूप में नहीं ढल पाया, बोध समाज के रूप में अपने आप को संगठित नहीं कर पाया, तो फिर बोध बनने का उद्देश्य क्या रह जाएगा। तो किसी भी रूप में बोध समाज की आचार संहिता नितांत आवश्यक है और ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक और दूरदर्शी कार्य है। तो हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में निष्ठा रखता है, हर वो व्यक्ति जो महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का बोध में भारत बनाना चाहता है, और हर वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि बोध बना हुआ व्यक्ति विनय के नियमों के अनुसार, धर्म के अनुसार अपने जीवन और जीवन शैली को संचालित करे, वो इस आचार संहिता से अपने आप को निराश महसूस नहीं करेगा। तो जो जितने भी साथी इस आचार संहिता या फिर धर्म भूमि के किसी भी काम पे सवाल उठाते हैं, उनसे निवेदन बस इतना सा है कि आप किसी व्यक्ति का चेहरा न देखें कि इनसे हमारी ठीक ठीक से मैत्री नहीं है, इस वजह से हम आलोचना कर रहे हैं, बल्कि आप उस काम में कमियां ढूंढ के बताएं कि धम्मभूमि सामूहिक वंदना का प्रोजेक्ट चला रही है और इस काम में ये कमी है, धम्मभूमि
बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ के वाचन का काम करवा रही है और इसमें ये कमी है। धम्म भूमि ने आचार संहिता बनाई है, इस आचार संहिता में ये कमी है। तो जहां वैचारिक रूप से आप सुझाव देने आएंगे, आपत्तियां दर्ज करवाएंगे या फिर किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या शंका प्रकट करेंगे, उन तमाम जिज्ञासाओं, शंकाओं, सुझावों का सदैव स्वागत है। लेकिन चेहरा देखकर आलोचना करने की बात आएगी तो फिर आप अपना भी समय खराब कर रहे हैं और हमारा भी कर रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आज के गूगल मीट में जुड़े हुए साथी इस बात के महत्व को समझेंगे कि विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। विचारों को प्राथमिकता दीजिए, अच्छे विचारों को भले ही वो कोई भी कह रहा हो उसे स्वीकार कीजिए। अगर वो धम्म के मापदंडों पर खरे उतरते हैं, अगर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर खरे उतरते हैं, उन मानकों पर खरे उतरते हैं, तो उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सबने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को।